गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आई एम भुवनेश्वरी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज दुर्ग। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का सब्जेक्ट है बी सेवन सेम मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, मैंने आप लोगों को बेसिक डिस्क्राइब फंक्शंस के बारे में बताया था। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा सा देखने को जा रहे हैं, अगर आपको मैंने कुछ कुछ जोन्स के बारे में बताया था। ठीक है, जैसे कि हमारे पास आज के टॉपिक जो है वो उसमें है डिस्क्राइबिंग फंक्शन ऑफ रिले विथ डेड जोन। ठीक है, इससे रिलेटेड आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्या होता है। ठीक है, ठीक, तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को डायग्राम बना के दिखाती हूँ। ठीक है, डायग्राम में हम लोग देखते हैं हमको आउटपुट और इनपुट। जैसे कि हम देखते हैं, ये मेरे पास एक सिंपल सा डायग्राम है। ठीक है, ये आउटपुट होगा और ये वाला जो लाइन होगा वो मेरा क्या होगा, इनपुट का होगा। ठीक है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा डी बाय टू। ये ठीक, तो ये आपका एक डायग्राम है। एक और हम डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको। बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां बस। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ तक। अब जो डिस्टेंस होगा, मान लो इसको मैंने अल्फा माना है और ये मेरा पाई माइनस अल्फा हो गया। ठीक है, ये हो गया पाई और ये पाई प्लस अल्फा। ठीक है, मान लो ये टू पाई हो गया और ये टू पाई।
थी, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डी बाय टू, ये भी डी बाय टू, ठीक है। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, थोड़ा डिफाइन करना है, ठीक। अब देखो, अब आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। इनपुट एक्स इक्वल टू एक्स एम साइन ओमेगा टी और आउटपुट नॉट इक्वल टू वाई ऑफ टी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जीरो ओमेगा टी अल्फा, ठीक है। और गामा के लिए क्या हो जाएगा, ये अल्फा से आपका ओमेगा टी एंड पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, फिर जीरो से अगर हम लेते हैं तो पाई माइनस अल्फा ओमेगा टी पाई प्लस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। एंड नस गामा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पाई और ओमेगा टी एंड टू पाई माइनस अल्फा एंड जीरो टू पाई माइनस अल्फा ओमेगा टी एंड टू पाई, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में? अब हम इसका कैलकुलेशन देखते हैं, ठीक है। मतलब डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ, अगर ये छोटा सा एक डेरिवेशन न्यूमेरिकल टाइप का है, मतलब आपको जैसे कि मैंने जो ग्राफ शो किया उस ग्राफ में अल्फा से पाई माइनस अल्फा, मतलब नीचे का साइड को उसने नेगेटिव साइड और मेरा ऊपर का जो है वो क्या हो गया, ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव साइड को शो कर रहा है, तो उसके बीच का कितना कितना डिफरेंस आता है ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ ए वन, ठीक है। तो ए वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, टू बाय पाई एंड वाई ऑफ टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी, ठीक। तो क्या हो जाएगा, टू बाय पाई पाई माइनस अल्फा और अल्फा, ठीक है। तो वाई कॉस ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी, ठीक है, माइनस टू पाई माइनस अल्फा एंड पाई प्लस अल्फा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी इंटू क्या हो जाएगा, डी ओमेगा टी, टू बाय पाई, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें लिमिट पुट करके देखते हैं इसको, कहां से कहां तक रखेंगे, अल्फा से ये लिमिट मैंने पुट कर चुका है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गामा साइन ओमेगा टी एंड पाई माइनस अल्फा और ये अल्फा, ठीक है, माइनस गामा साइन ओमेगा टी, टू पाई माइनस अल्फा और इसका लिमिट क्या हो जाएगा, पाई प्लस अल्फा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टू बाय पाई गामा साइन पाई माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, ये होगा। ये समझ आ रहा है, कैसे आ रहा है, जो लिमिट्स दी हुई है ये लिमिट हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ
लिमिट, ठीक है, माइनस गामा एंड साइन 2 पाई माइनस अल्फा एंड साई पाई प्लस अल्फा, इसमें भी हमने पुट किया, ठीक है, तो ये मेरा हो गया। ठीक, फिर 2 बाई पाई गामा साइन अल्फा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होता है ना, और माइनस साइन अल्फा, ठीक, माइनस ये एंड माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे A1 की वैल्यू 0 रख दी है, तो कैलकुलेशन ऑफ बी, ठीक है, अभी हमने कैलकुलेशन ऑफ A1 निकाला है, तो A1 मेरा क्या हो गया, 0, कैसे 0 आया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब माइनस हो जाएगा ना भाई, ये और ये क्या हो गया, देखो 2 बाय पाई माइनस 0, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो A1 मेरा क्या आया, 0। अब हम कैलकुलेशन देखते हैं किसके लिए, B1 के लिए, तो B1 के लिए मेरा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, B1 इज इक्वल टू होगा 2 बाय पाई y ऑफ t इंटू साइन ओमेगा t इंटू डी ओमेगा t, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा लिमिट वगैरह पुट करके देखते हैं क्या होता है, 2 बाय पाई, जैसे मैंने रखा है पाई माइनस अल्फा और ये अल्फा, तो y साइन ओमेगा t माइनस डी ओमेगा t, ठीक है, ये हुआ, ठीक। सिर्फ हम अभी इसको इतना ही रखेंगे, इसी लिमिट को अभी हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 2 बाय पाई, जब हम इसको पुट करते हैं तो माइनस कॉस ओमेगा टी पाई माइनस अल्फा और अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और मान लो जैसे इसको नहीं रखेंगे, सिर्फ यही रखेंगे इसको, अब वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, 2 बाय पाई माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस पाई माइनस अल्फा, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, 4 पाई कॉस अल्फा, मतलब 4 बाय पाई कॉस अल्फा, ये हमको बी की वैल्यू मिली, ठीक है। मान लो अगर हम ओमेगा टी इज इक्वल टू रखते हैं अल्फा, ठीक है, तो यहाँ क्या है, A1 और B1 की, ठीक है। अब मान लो हमको डब्ल्यू टी की वैल्यू रखना है अल्फा और x की वैल्यू रखना है हमको D/2, ठीक है, ये वैल्यू हम रख रहे हैं, तो मेरा जो xm की वैल्यू होगी, है ना, वो क्या होगी, वो हम लोग देखते हैं। इनपुट मेरा क्या हो जाएगा, xm साइन ओमेगा t अगर हम लेते हैं, या इक्वल होगा ये xm साइन अल्फा के, ठीक है, तो साइन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, x डिवाइडेड बाय xm होगा, जो इक्वल होगा d डिवाइडेड बाय 2xm के, ठीक है। तो cos अल्फा क्या हो जाएगा आपका, 1 माइनस डी स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर एम, ठीक। तो सो B1 इक्वल टू क्या होगा, 4 पाई एंड पाई, ठीक है, मतलब 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर एम, इसको लेंगे हम, एंड सो B1 इज इक्वल टू हो जाएगा
आपका ये जो मैंने वैल्यू रख दी, ठीक है। अब जीडी के फॉर्म में अगर हम लोग इसको थोड़ा सा देखें तो क्या मिलेगा हमको, जी डी जे डब्लू क्या हो जाएगा, ये ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर रूट ओवर में और एक्स एम एंड टेन इनवर्स ए वन एंड बी वन, ठीक है। ये हुआ ठीक, तो ये हो जाएगा फोर एंड पाई इंटू एम, तो वन माइनस डी स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर एम, ये हो जाएगा मेरा वन बाय टू एंड जीरो एंगल, ठीक है। तो अगर आपको बोलता है, डिस्क्राइब करने बोल रहा है फंक्शंस को, तो आप उसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू और इसके जो डिस्क्रिप्शन है रिले के बारे में है ना, और भी जैसे कि आप लोगों को कुछ और फंक्शंस है नॉन लिनियरिटी से रिलेटेड, तो हम वो सब भी देखेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।